हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे एग चाउमीन। पहले हम पानी को गर्म करेंगे। थोड़ी देर गर्म होने के बाद इसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे और नमक को अच्छी तरह से मिला देंगे पानी में। उसके बाद हम यहाँ पर चाव को बॉईल कर देंगे। चाव को अच्छी तरह से गर्म पानी में डुबो देंगे। कुछ देर बाद इसी तरह से चाव को हल्के हाथों से खिलाना है पानी में। गर्म पानी के अंदर से छान लेना है चाव को। गर्म पानी से निकालने के बाद एक छन्ने में छान लिया है चाव को और उसके बाद थोड़ी सी ऑयल चाव में डाल दिया है, क्योंकि चाव चिपकेगा नहीं, अच्छी तरह से खुल जाएगा। और उसके बाद एक पैन लेंगे, पैन में ऐड कर देंगे थोड़ी सी वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद 3 अंडे मैंने यहाँ पर लिया है, नमक और काली मिर्च के साथ। उसको अच्छी तरह से स्क्रैम्बल कर देंगे। अंडा अच्छी तरह से हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम पैन में थोड़ी सी तेल लेंगे, उसके बाद 1 चम्मच चॉप्ड गार्लिक, फाइनली चॉप्ड गार्लिक, उसके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गार्लिक के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर देंगे फाइनली चॉप्ड ऑनियन, उसके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक चाउमीन बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। बस आप मेरी प्रोसेस को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी ऐड कर देंगे गाजर, ये बिल्कुल ऐसे कटा हुआ गाजर ऐड कर देंगे। गाजर के बाद थोड़ी देर में ऐड कर देंगे हम शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे, नहीं तो वेजीज की कंच चली जाएगी। और अभी डाल देंगे गैबेज, जो कि है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डाल देंगे, उसके बाद हल्के हल्के फ्राई करेंगे। पत्ता गोभी थोड़ी देर पकने के बाद अभी भी जिसमें थोड़ी डालेंगे विनेगर। मैंने यहाँ पर व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है। विनेगर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर सारी सॉस को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप ऐड किया है। उसके बाद 1 बड़ी चम्मच ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है और 1.5 बड़ी चम्मच सोया सॉस ऐड किया है। उसके बाद सॉसेस को अच्छी तरह से मिला लेंगे वेजीज में। सॉसेस अच्छी तरह से मिल गया है वेजीज में। अब हम बॉइल्ड नूडल्स को वेजीज में डाल देंगे और अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको मिला देंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी नमक और काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। उसके बाद हम सारी सब्जियों को मिलाएंगे, उसके साथ सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिलाएंगे, बिल्कुल ऐसे। और मिलाने के बाद हम यहाँ अच्छी तरह से मिलने के बाद स्क्रैम्बल्ड एग को मिला देंगे चाव के साथ और अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये हमारी हो गया पूरी तरह एग चाउमीन रेडी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।